السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور हर किस्म की तारीफ व तौसीफ किबरियाई व बड़ाई इज्जत व जलाल शान व शौकत सब उस रब्बे करीम के लिए लायक व सजावार है जिसने हम तमाम को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा। इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजने के बाद उम्मत मुहम्मदिया यानी मनहज सलफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर इस दुनिया में भेजा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमारी जिंदगी के अंदर ये जिंदगी नसीब फरमाता रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के अहकाम पर नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ब्रदरान इस्लाम मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद तमाम नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद का नुज़लाना हो बिलखुसूस मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना फातिहुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शख्सियत मुतहरा मुबारका पर जिन्होंने हम तक दीन इस्लाम बड़ी अमानतदारी से हम तक पहुंचाया। वो दीन जो रात के अंधेरे में भी दिन की उजाले की तरह वाज़े और रोशन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम व कवातिन इस्लाम आज के इस पुरौनक महफिल में अनवार तकरीर है मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद किस तरीके से पैदा किया जा सकता है। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी आजकल के इस पुरफितन दौर के अंदर मुसलमान को देखा जाता है हर जगह जिल्लत और रुसवाई का दामन पकड़े हुआ है। सियासत के मामले में ले लें अवामनास के मामले में ले लें हर जगह मुसलमान जिल्लत रुसवाई का दामन पकड़े हुआ नजर आता है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि मुसलमान इंसान मुसलमान होने के बावजूद भी जिल्लत हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने अल्लाह का तारुफ भूल चुका है। बिरादरान इस्लाम अजीजान गिरामी हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा करके हम पर एहसान किया। जिसने हमको पैदा किया हम उसके एहसानात को भुला दिए हैं। हमें चाहिए उसके एहसानात को अपने जहन में रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत हम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत करार दिया। इसकी दलील देखते हैं सूरह ज़ारियात उठा के देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ारियात के आखिरी आयात में फरमाता है वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह इंसान को बनाने का मकसद ही इबादत बयान कर रहा है। जरा बतलाइए फजर की नमाज में देखा जाता है कहां चले जाते हैं वो नौजवान जो अपनी जवानी का जोश दिखाते हैं।
अगर किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज बयान की जाए तो मुसलमान उठ के खड़े हो जाते हैं, नौजवान उठ के खड़े हो जाते हैं। उससे बेहतर होता कि वो लोग फजर की नमाज में आके खड़े हो जाते। ब्रदरान इस्लाम अजीजाने गिरामी, हम मुसलमानों को चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में एक होकर पैर से पैर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे तो बाहर वाले काफिर और मुशरिक की जरूरत नहीं होगी कि मुसलमानों को बदनाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाया वइदा असाबतुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदिन नास, जो मुसलमानों पर मुसीबत आ रही है, जिल्लत हो रही है, ये उनके हाथों की करतूत है। हमें चाहिए, हम माशरे के अंदर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद चाहते हैं, सबसे पहली चीज रुजू इलल्लाह, अल्लाह के दरबार में रुजू होना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के साथ किसी पीर वली मुर्शद चादर वाला किसी को शरीक ना करें, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन को जात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को अकेला तस्लीम करे, उसके बाद देखिए मुसलमान कभी जिल्लत नहीं होगा। आज अफसोस होता है हमारे मनहज सलफ के मानने वाले भी शिर्क कर रहे हैं। अगर शिर्क की बात करो तो जो वक्त दिया गया है उसमें से काफी हो जाएगा। शिर्क बहुत तरीके से होता है, लेकिन आजकल के मुआशरे के अंदर जो शिर्क का पुरफितन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है वो रियाकारी से है। रियाकारी से शिर्क का मतलब, हम नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने वालिदैन को डर के हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम मस्जिद के जिम्मेदारों को डर के हम नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के ताने सुनने की वजह से हम नमाज पढ़ रहे हैं। जरा बताओ नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की जिंदगी का निचोड़ बयान फरमाते हुए कहा वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद सिर्फ इबादत है। इबादत ही है, हमें चाहिए कि इबादत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी का मकसद बयान किया है वो इबादत नमाज की शक्ल में हो सकती है, अल्लाह के जिक्र के शक्ल में हो सकती है, सदका व खैरात की शक्ल में हो सकती है। एक बात बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इबादत जो हम लफ्ज इबादत कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इंसान की जिंदगी का निचोड़ बयान किया वो नमाज के जरिए से हम इबादत के अल्फाज को मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर अगर इंसान पंच वक्ता नमाजी बन जाए, पाबंदी के साथ, अकामत के साथ, खुशू खुशू के साथ अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी जिंदगी के अंदर जो मुश्किलें हैं, जो मुसीबतें हैं वो दूर हो सकती हैं। ब्रदरान इस्लाम अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों पर पंच वक्त नमाज फर्ज किया है। हमें देखने को मिलता है हम खुद के नफ्स के ऊपर सिर्फ जुमा की नमाज, ईदेन की नमाज या किसी मैयत की नमाज को अपने ऊपर फर्ज कर लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इबादत जो नमाज के जरिए की जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। नमाज काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। हम देखते हैं हमारे नौजवानों को, बुजुर्ग माँ बाप मस्जिद को चल के आ जाते हैं लेकिन नौजवानों को देखते हैं कि वो बिस्तर में सोए हुए हैं। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पूछेगा तेरा बाप तुझे अजान की आवाज सुनाई दी थी, तुझे तेरे बाप ने उठाया था, तू नहीं आया। अगर अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा अहमियत है। ब्रदराने इस्लाम अजीजाने गिरामी, नमाज कितनी अहमियत वाली चीज है
ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी मरहला देखें, उससे सबसे बड़ा सबक नमाज का मिलता है। मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात की हालत में है, मौत के बिल्कुल करीब है और बेहोश हो रहे हैं। जब सकरात की हालत में है तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं अस्सला सला सला नमाज नमाज नमाज। जब बेहोशी की हालत में है, जब बेहोश हो जाते हैं तो सहाबा से कहते हैं पानी लेके आओ, अपना हाथ उस बर्तन जो पानी वाला बर्तन होता है उसके अंदर हाथ डालते हैं, हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते हैं और जब होश आ जाता है तो नमाज की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और नमाज की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जब फिर बेहोश हो जाते हैं फिर दोबारा अपने हाथ को पानी में डाल के अपने चेहरे पर मल लेते हैं। देखिए सकरात की हालत में है, बेहोशी तारी हुई है, इसके बावजूद भी नमाज की पिए कितने तड़प रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। कहते हैं कि मैं मुझे अल्लाह से मिलना है। हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी की जो सिफात थी हमारे जिंदगी के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, जवानी दी है। हमें चाहिए कि अपनी जवानी को जाये करे बगैर आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाए। क्योंकि एक चीज में एक और वजाहत करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल कयामत के दिन पुरफितन कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये के नीचे जो लोग होंगे, जो सात लोगों का जिक्र किया गया उनमें से एक नौजवान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत में जवान हुआ। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में जवान हुआ हो। आजकल हमारा नौजवान दोनों उंगलियों के दरमियान सिगरेट पकड़ने को अपनी जवानी समझता है, दाढ़ी शेव करने को अपनी जवानी समझता है, टखने से नीचे पैंट पहनने को अपनी जवानी समझता है, अपने माँ बाप को झिड़क कर बात करने को अपनी जवानी समझता है। जरा बताओ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो शाब नशा फी इबादतिल्लाह कहती है, वो जवान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में जवान हुआ। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। और हम आज के पुरफितन दौर में देख रहे हैं कि मस्जिद में अजान जोर आवाज से ना दी जाए, इसका सबब क्या है? एक कमबख्त मुशरिक ने जब उससे पूछा गया तुम अजान से तुम्हें क्यों नफरत है, तो उसने कहा जो तुम फजर में अजान देते हो मैंने मसाजिद का जायजा लिया, दो या चार से ज्यादा लोग नहीं रहते, तुम इतनी तेज अजान तेज आवाज से अजान देने की जरूरत क्या है? मुसलमानों जो करतूत जो मुसीबत मुसलमानों के अंदर आ रही है वो सिर्फ ये है कि हम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नहीं कर रहे। उस कमबख्त ने कहा तुम अजान माइक में कम आवाज से दीजिए, तो उसने कहा हम हमारी जिंदगी के अंदर हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया इबादत करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुसलमानों की इत्तेहाद के लिए दुआ मांगे। क्योंकि मुसलमान अफसोस होता है हर जगह जिल्लत और रुसवाई का दामन पकड़े हुआ है। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर में आए, अपने गुनाहों को जो हम जानते हैं उसको जिक्र करें, जो नहीं जानते उसका भी जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हमें चाहिए कि मुसलमान होने के नाहिए से एक मोमिन होने के नाहिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, हम तमाम मुसलमानों को नेक बनाए, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो भी मुसलमान परेशान है अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमाए। ये अल्लाह जो मखरूज है उनके कर्ज की अदाई के क्या तो गैर मदद फरमा। ये अल्लाह जो भी मुसलमान जहां पर भी जिल्लत रसवाई का दामन पकड़े हुआ है, ये अल्लाह तुझसे चाहिए कि हम तमाम को हमारी जिंदगी के अंदर तुझसे माफी मांगने की कोशिश करें, और ये अल्लाह हम तमाम को नेक बना, एक बना। अल्लाह हम तमाम को जो भी इस महफिल में बैठे हुए हैं अल्लाह इन तमाम के नेक जायज ख्वाहिशात को मुकम्मल फरमा। आमीन। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।